अगर मुझे बोला जाए कि आप उनको क्या पनिश करेंगे ऐसे लोगों को, तो मैं साफ साफ यही कहूंगी कि उनको सीधे के सीधे फांसी की सजा ही देनी चाहिए. इसके अलावा कोई सजा मेरे मुताबिक नहीं बनती. पर्सनली फील एनीवन हु हैरेसेस फीमेल और अ पर्सन हु डज नॉट रेस्पेक्ट फीमेल एंड ट्राई टू मोलेस्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी फीमेल, द ओनली पनिशमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ एक्ट कैन बी टू बी हैंग टिल डेथ. नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट. मेरे हिसाब से 2 साल की सजा वुड बी मैक्सिमम फॉर गर्ल्स हैरासमेंट. वुमेन हैरासमेंट की जो पनिशमेंट है वो लड़कों के लिए ये होनी चाहिए कि उन्हें फांसी या मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज उनकी लाइफ जो डिस्ट्रॉय हो सकती है. सो जो वो पेन लड़कियों को देते हैं, वुमेन को देते हैं, तो वही पेन वो फील करें तो ज़्यादा बेटर होगा. उनको पता चलेगा कि हैरासमेंट क्या होती है और उनको कितना टॉलरेट करता है. तो एग्री विद हर, क्योंकि अगर आप उनको फांसी दे दोगे ना तो वो 1% भी नहीं चलते हैं उसका. उसको या तो लोगों के हवाले कर दो या तो उस लड़की के घर वाले के हवाले कर दो, फिर उसको उसी हिसाब से सजा दो जो वो डिजर्व करता है इतना गंदा काम करने के. Issue in front of everybody is corruption. Everybody is saying that the India should be corruption free, the system should be corruption free, but for all these things everybody has to take initiative. Those who are taking bribes and those who are giving bribes, both are responsible for the corruptions what is going on nowadays in every system. What do you say? I really agree with Santosh sir. In fact, it is just like a disease. One, it started, it has to be stopped somewhere, and somebody has to become a doctor for this. So I really support, and we should take an initiative to start somewhere to stop. And agar hum log nahi dena chahenge to samne wala kaise zabardasti. So I think ki agar hum log sare individuals, if we'll decide that we will not give bribe to anybody, yes. So I think in future India will be corruption. Corruption used to ho gaya hai aur har इसमें इंसान आम आदमी की भी कहीं ना कहीं भागीदारी है. वो समझता है मैं तुरंत पैसा दूं, मैं तुरंत काम करवा लूं. यहाँ कहीं कहीं हम लोग भी इनमें इन्वॉल्व हैं, इस कारण करप्शन बढ़ रहा है. बहुत ताज़ा कानून तो बहुत बने हुए हैं लेकिन इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. ऐसा नहीं कि हर डिपार्टमेंट हर कोई करप्ट है, ऐसी बात नहीं. बहुत ईमानदार पुलिस अफसर भी हैं, बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत ईमानदार नेता भी हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं जिसके कारण ये पूरा जो है बदनाम हो रहा है, पूरा देश जो है. जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो. Hey!